अपडेट इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज कहता है वोटर का कारवा पहुंचा है खंडवा। आज खंडवा के मुद्दों पर हम यहां के वोटर की राय जानेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञानेश्वर पाटिल को यहां से मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने नरेंद्र पटेल के नाम को आगे करते हुए उन्हें इस मैदान में उतार कर इस जंग को जीतने का ऐलान किया है। जीत किसकी होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जब 13 मई को यहाँ मतदान होगा। इसके पहले खंडवा का वोटर क्या सोचता है वो जानेंगे। शहर के हृदय स्थल घंटाघर पर हम मौजूद हैं और यहाँ अलग अलग वर्ग के प्रबुद्ध जन हैं, व्यवसायी हैं और कुछ युवा भी हैं, उनसे बात करेंगे। मातृशक्ति है जो आधी आबादी है, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर खंडवा के मुद्दों पर वो क्या सोचते हैं। तो कहता है वोटर का कारवा की शुरुआत करते हैं, खंडवा के क्या मुद्दे हैं? खंडवा का सबसे ज्वलनशील मुद्दा इस समय गर्मी का जो है वो पानी तो है ही, साथ में सड़कें भी हैं, रोजगार को लेकर सबसे बड़ी समस्या है और जो रिंग रोड और बाईपास जो लगातार समस्या हमारा बना हुआ है वो तो साथ में है ही। अगर मुद्दों की हम बात करें तो आज 25 सालों से ये देखें हम इन मुद्दों से उभर के ही नहीं आ पाए। आज आप पुराने अगर खुद के अगर डिबेट अगर उठा के देखेंगे तो सड़क, पानी, बिजली, रोजगार, ये सब पहले से मुद्दे बने हुए हैं और आज भी बने हुए हैं जैसे कि तैसे, उनका कोई स्थायी निराकरण नहीं निकल पाया। हर बार ये कह देना कि विकास प्रक्रिया के दौरान है, विकास कर रहे हैं, हो रहा है, मगर उसका मूलभूत जो एक ढांचा खींचना चाहिए वो अभी तक नहीं खींच पाया। इस बार क्या चाहते हैं, क्या हम कोई ऐसा नेता चाहते हैं? हम परिवर्तन की सत्ता चाहते हैं, क्योंकि लगातार एक ही सत्ता को बार बार सौंप देना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक सत्ता में ये घमंड आ जाता है कि हम कुछ करें या ना करें हमें जनता जिता देती है। तो मैं तो इस बार आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि इस बार सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कितना आगे बढ़ा है खंडवा? भाई साहब, पहली बात तो ये कि ये बोल रहे हैं कि जनता मतलब सिर्फ मजबूरी में वोट दे रही, मतलब इनके जो तात्पर्य कहने का निकल रहा है, अगर जनता मतलब आप देख रहे हैं विकास हो रहा है तभी तो जनता इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी को जिताती आ रही है। मुद्दा कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ विपक्ष में बैठ के उनके पास कोई विजन नहीं है जनता को बताने के लिए, तो इनके पास सिर्फ विरोध प्रदर्शन रह जाता है। विपक्ष कमजोर है। क्या चाहते हैं खंडवा में, क्या होना चाहिए? देखो, खंडवा में विगत 10 वर्षों में जब से मोदी जी की सरकार है बहुत विकास हुआ है और आगे विकास की गति भी बहुत तेज है। हम लोगों का एक संगठन है जनमंच, जिसमें हम विभिन्न मांगे पिछले 12 सालों से उठाते आए, लेकिन यूपीए की गवर्नमेंट में हमें खंडवा शहर को कुछ नहीं मिला। जब से एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार आई है खंडवा को बहुत कुछ मिला है। क्या काम हुआ? काम में ये हुआ कि हमारी एक बहुप्रतीक्षित मांग थी हैदराबाद से अकोला अजमेर तक का ब्रॉडगेज, मीटर गेज को ब्रॉडगेज करना, उसको मोदी जी ने खुद ने संज्ञान में लेकर उसमें इतना ज़्यादा बजट आवंटित किया है कि आज काम में बहुत गति है और सिर्फ 2-1 साल में आदमी इंदौर तक की यात्रा। 5 सालों में क्या होना चाहिए? इन आने वाले 5 सालों में जो रहे हुए विकास कार्य है, हमें उम्मीद है कि ये बहुत द्रुत गति से होंगे ये कार्य। बिल्कुल, क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए, 5 साल में क्या बदलाव देखना चाहते हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि पिछले कई सालों में खंडवा में ऐसा कुछ चमत्कार हुआ ही नहीं जिसकी आम व्यक्ति जो है कल्पना करता है। हमारे जो रिश्तेदार मेहमान बाहर से आते हैं तो वो आके हमसे सवाल करते हैं, क्या यार तुम्हारे खंडवा में तो कुछ भी नहीं है, वैसा वैसे ही लगा पड़ा है, वही का वही शहर है, कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है। जो कॉलोनियाँ नई नई बन रही हैं वो दूर दराज में बन रही है, मुख्य जो शहर है, मुख्य जो मार्ग है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। और आने वाले 5 सालों में मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा चमत्कार हो, ऐसा कुछ परिवर्तन हो कि देखने वाला खुद ही बोले कि शहर अब बदल रहा है। बिल्कुल, शहर बदल रहा है ये नज़र भी आना चाहिए। कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम ये 5 सालों में ये चाहते हैं, चाहे विपक्षी सरकार आए या सत्ता पक्षी सरकार आए, यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है। आज सरकारी तंत्र में इस तरह का करप्शन हो गया है, पहले फेस टू फेस पेमेंट लिया जाता, पट्टी के नीचे से लिया जाता है। कुछ भी काम करने के लिए इवन आप 100 रुपये का काम भी कर रहे हो तो आपको 10 रुपये करप्शन देना ही पड़ेगा। लेकिन सरकार तो कह रही है कि जीरो टॉलरेंस है, बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं। सरकार से ये निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार आप प्रचार प्रसार के लिए आपके व्यक्तिगत कार्यकर्ताओं को भेजते हो, उसी प्रकार कुछ अपने एजेंट, अपने कार्यकर्ताओं को उस तरीके से विभागों में भेजो जहाँ पर उनसे कार्य करवाने के नाम पर किस तरीके से पैसा लिया जाता है, फिर उन्हें मालूम पड़ेगा हकीकत क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो खंडवा को क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या मांगे हैं यहाँ की? खंडवा में जैसे आने वाले समय में एक यूनिवर्सिटी की काफ़ी समय से मांग उठती आ रही कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी होना चाहिए। हमारे इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए भी एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज भी होना चाहिए ताकि उन छात्रों को भी यहाँ पर सुविधा मिल सके। खंडवा को क्या मिला, क्या चाहिए? खंडवा को तो मिला है और ये 5 साल में और मिलेगा, क्योंकि हमारे सांसद महोदय जिनका कार्यकाल 2.5 साल का था, उन्होंने सारे प्रयास किए विकास के लिए और एक नई ऊंचाइयां फिर हम छूने जा रहे हैं।
क्योंकि इस बार हम 400 पार होने के लिए जा रहे हैं। आज भी देख लो, जहाँ कांग्रेस के 2 लोग खड़े हैं वहाँ बीजेपी के 10 लोग खड़े हैं। ये बहुमत यही दिखा देता है। रोजगार के मामले में कितना कुछ काम हुआ है? भाई साहब बहुत कुछ हो रहा है। कांग्रेस कई बार आई है लेकिन कांग्रेस ने आज तक कोई युवा के लिए, युवा क्या चाहता है? युवा तो केवल यही चाहता है कि उसको रोजगार मिले। और मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। हमारे युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उद्यमी योजना और उसके अतिरिक्त तो मुद्रा योजना, ऐसी कई योजनाएं लाए, उससे आज युवा सशक्त तो हो रहा है। और मेरा तो यही निवेदन रहेगा कि आप राष्ट्रहित में ही मतदान करें। बिल्कुल, उद्योग धंधे यहाँ हैं, इंडस्ट्रियाँ हैं यहाँ पर, अगर रोजगार मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। आप देखो जैसे भाई साहब ने बताया मुद्रा योजना, अब मैं खुद एक बेरोजगार था, मैंने खुद लोन लेके अपने माननीय प्रधानमंत्री योजना का लाभ लिया है और मैं खुद व्यवसाय कर रहा हूँ अभी। बिल्कुल, तो ये स्वरोजगार की तरफ भी कुछ लोग जो है पहुँचे हैं, उनसे जानते हैं आप क्या कहेंगे, खंडवा की ज़रूरतें क्या है, क्या क्या काम होना चाहिए? खंडवा शहर का और पूरे ज़िले की बात करें तो यहाँ सबसे पहले तो औद्योगिक विकास होना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र करोड़ों रुपए लागत से विकसित कर दिए गए हैं लेकिन वहाँ आज तक एक उद्योग नहीं लगा है। तो खंडवा शहर को निजी क्षेत्र और शासकीय क्षेत्र में उद्योगों की काफ़ी संभावनाएँ यहाँ पर है। खास करके पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में यहाँ उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, गैस रिफिलिंग प्लांट स्थापित किए जा सकते हैं। पेट्रोल का यहाँ डिपो हुआ करता था तो पेट्रोल आज बाहर से लाना पड़ रहा है और बहुत महंगा पड़ रहा है, तो यहाँ पेट्रोल डिपो पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इसके बाद और अलग अलग तरीके के जो कृषि आधारित उद्योग हैं उनकी स्थापना करके और निजी क्षेत्र को भी यदि उसमें जोड़ा जा सकता है औद्योगिक क्षेत्र में, तो यहाँ औद्योगिक विकास होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। युवा जो है खंडवा का वो क्या सोचता है, जनप्रतिनिधि से क्या आस रखता है? सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि ये खंडवा शहर की बात नहीं हो रही, खंडवा लोकसभा की बात हो रही है। तो खंडवा लोकसभा में अच्छा खासा विकास हुआ है। युवाओं की जो सबसे ज़्यादा मांग शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की रहती है और मोदी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। और आगे युवाओं की दो ही समस्या रहती है, एक शिक्षा और एक रोजगार। जब कोविड के बाद से आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जमीनी स्तर पर जब लोगों को लोन प्रोवाइड करा गया, मुद्रा के तहत स्किल इंडिया डेवलपमेंट के हिसाब से जब जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है वैसे वैसे रोजगार बढ़ता है। जब हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनते हैं तो स्वाभाविक सी बात है अगर रोजगार जनित नहीं होगा तो हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बनेंगे। रोजगार सीधे सीधे अर्थव्यवस्था का पहिया होता है। और जिस प्रकार अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि रोजगार की समस्या है, अगर कोई भी शहर डेवलपमेंट होता है तो उसके लिए अवसर रचना का होना बहुत आवश्यक है। पानी में हम अवसर रचना बना चुके हैं, बिजली के में मध्य प्रदेश का गढ़ बन चुका है खंडवा जिला। आज अभी विगत कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सौर ऊर्जा का भी एक केंद्र अपने ओंकारेश्वर में डाला है, ये भी खंडवा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि खंडवा लोकसभा की बात हो रही है। और रही बात खंडवा शहर की, एक बार अवसर रचना पूर्ण होगी तो खंडवा का विकास तीव्र गति से। स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता ये बात बार बार सामने आती है। अगर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा होता तो खंडवा में प्रॉपर्टी रेट इतना हाई नहीं होते एज कम्पेयरिंग टू अदर थिंग्स। व्यापारी नजरिए से देखें तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना? व्यापारी नजरिए से पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, मुद्रा जो लोन दिया है पार्टी। आप लोग चाहते क्या हैं, खंडवा लोकसभा क्षेत्र में क्या होना चाहिए अगले 5 साल में? अगले 5 सालों में जहाँ तक हमें सांसद जी द्वारा जो विकास की धारा बही जा रही है वो आगे भी इसी तरह बहती रहेगी और विकास के कार्य होते रहेंगे। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे अगर खंडवा की बात करें, मुद्दे जिन पर हल आगे हो और खंडवा का एक नया नाम हो, परिदृश्य एक नए तरीके से उभर के आए, क्या चाहते हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि खंडवा के मुद्दे वाला ये चुनाव है नहीं, फिर भी खंडवा के मुद्दे पे हम बात करने के लिए तैयार हैं। ये देश का चुनाव है, खंडवा के मुद्दों के लिए हमने निगम में भी जब बात रखी लोगों ने हमें पास किया, विधानसभा में बात रखी वहाँ भी पास किया, अब लोकसभा की बात है और यहाँ भी हम भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। सभा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है, आपको ऐसा लगता है? हाँ, बीजेपी के नेताओं का होने जा रहा है ना। आप देखिए बीजेपी के नेता कितना झूठ बोलते हैं, इनको 15 साल इनकी जब से सत्ता आई है ना तब से झूठ बोल बोल कर जिस 15 साल में जिस व्यवस्था में आदमी रहता है उस व्यवस्था की इनको आदत पड़ जाती है। ये कहाँ के देश ये बात करते हैं राष्ट्र की, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? देखिए यहाँ पर तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। आप देखिए इन्होंने इनके मैनिफेस्टो में क्या था कि हम रिंग रोड बाईपास देंगे, हम रोजगार देंगे, कहाँ देंगे? ये जैन साहब हैं, इनको तो आदत पड़ गई झूठ बोलने की। अब वो रेलवे स्टेशन की बात ले आए,
कि रेलवे स्टेशन 350 को बनेगा। भैया कब बनेगा? जब बच्चे मर जाएंगे, तुम मर जाओगे, हम मर जाएंगे, तब बनेगा क्या? ये मनगढ़ंत कहानियां बताते हैं। इनके सांसद की एक भी उपलब्धि बता दें, वो पासपोर्ट कार्यालय तो भाई साहब, ये क्या विधायक सांसद विधायकों क्या चाहते हैं? तीन प्रमुख मुद्दे जिन पर काम होना चाहिए, वो क्या? पहला मुद्दा तो है, मैं युवा हूँ और युवाओं की बात करूंगा और जैन साहब को भी ये बात बोलने के लिए रखूंगा कि आप बहुत हो चुका अत्याचार, अब रोजगार की बात होगी, अब शिक्षा की बात होगी, अब स्वास्थ्य की बात होगी। आप देखिए हमारे तीन मुद्दे, यहाँ पर बाईपास कब बनेगा, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हजारों करोड़ रुपए होने के बाद भी यहाँ पर स्वास्थ्य क्यों नहीं, इलाज क्यों नहीं मिल पा रहा, क्यों इंदौर रेफर कर रहे हैं लोगों को, यहाँ पर आप देखिए रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। इन तीन मुद्दों पे कभी बात नहीं करेंगे, ये रेलवे स्टेशन की बात करेंगे, ये राष्ट्र की बात करेंगे। अब मैं राष्ट्र की बात बताता हूँ,